हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार कल नेटफ्लिक्स ने अपने 41 इंडियन कंटेंट को अनाउंस किया, जिसमें मूवीज़ भी है, वेब सीरीज़ भी है, और कुछ वेब सीरीज़ जिसका सीज़न 2 भी है, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी है, कॉमेडी शोज़ भी है और टीवी रियलिटी शोज़ भी है। तो ये कौन कौन से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमें नज़र आने वाली सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, जितेंद्र कुमार, अर्जुन रामपाल, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, धनुष, सानिया मल्होत्रा, नीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, कपिल शर्मा, मनोज वाजपेयी सर और माधुरी दीक्षित नेने। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस नज़र आएंगे जिन्हें देख के हम लोग नेटफ्लिक्स ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहली मूवी है अजीब दास्तान फ्रॉम करण जौहर, और इसे डायरेक्ट करेंगे नीरज गहवान। सेकेंड बुलबुल तरंग, जिसमें हमें नज़र आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। थर्ड धमाका, जिसका आपने हाल फिलहाल में टीज़र दिखाया, जिसमें हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन। फोर्थ द डिसिप्लिन फ्रॉम चैतन्य तमहाने। फिफ्थ जगह में तंदीराम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज़ में से एक है, जिसमें हमें नज़र आते हैं धनुष, हसीन दिलरुबा, तापसी पन्नू, जादूगर, जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सानिया मल्होत्रा, माइलस्टोन, आयवन अय्यर, नवरासा, मनी रत्नम, पगलेट, सानिया मल्होत्रा। पेंट हाउस, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अब्बास मस्तान, और इस मूवी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल नज़र आने वाले, और ये एक मर्डर मिस्ट्री पर मूवी बनेगी जो कि अब्बास मस्तान का वो मैजिक दोबारा से लेकर आएगी। सरदार का ग्रैंडसन, जिसमें हमें नीना गुप्ता और अर्जुन कपूर नज़र आएंगे, जो कि मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता चला कि इस मूवी में क्या दम है। तो अब हम लोग बात करेंगे 15 अपकमिंग वेब सीरीज़ का, जिसमें हमें नई वेब सीरीज़ प्लस वो जो रिटर्न हो रही है सीज़न 2 के साथ। सबसे पहली है अरण्यक, जिसमें हमें रवीना टंडन नज़र आएगी, एक मच अवेटेड, जिसका टीज़र देखकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और सेकंड है डी कपल, जिसमें हमें आर माधवन नज़र आने वाले। थर्ड बॉम्बे बेगम, इसकी एक अलग सी हाइप क्रिएट हो गई, अब देखते 8 मार्च को ही पता चलेगा ये भाई सीरीज़ है कैसी। और फोर्थ है दिल्ली क्राइम सीज़न 2, जिसमें हमें एक नया केस देखने को मिलेगा, और देखते हैं कि क्या सीज़न 1 जितना इंटरेस्टिंग और जितना डिटेलिंग में बनाया था, तो क्या वाकई में सीज़न 2 भी उतना ही डिटेलिंग से बना है, वो तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है फील्स लाइक इक्स, इसमें हमें राधिका मर्डर नज़र आएगी। उसके अलावा फाइंडिंग अनामिका, इसमें माधुरी दीक्षित ने की ये पहली वेब सीरीज है, तो आप सोचो कितना मज़ा आने वाला है। और जमतारा सीज़न 2, और जिन्होंने भी जमतारा सीज़न 1 देखा उनको ही पता होगा कि भाई सीज़न 2 कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितना ज़्यादा रिवेलिंग होगा, वो तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा भाई। और कोटा फैक्ट्री सीज़न 2, इसके लिए तो भाई सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा नेटफ्लिक्स का, वरना तो टेलीग्राम तो जिंदाबाद है। उसके अलावा लिटिल थिंग्स सीज़न 4, यार इस पर मैंने एक भी सीज़न नहीं देखा और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके अलावा माई, जिसे बना रही है अनुष्का शर्मा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ नज़र आ रही है। और मसाबा मसाबा सीज़न 2 और मिसमैच सीज़न 2, जिनको देखने के लिए मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट, तो शायद मैं इनका रिव्यू भी नहीं करूँगा। इसके अलावा रे, जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक चौबे, और इसमें हमें मनोज बाजपेयी के साथ साथ और भी एक्टर्स नज़र आएंगे, और इसमें आई थिंक 3 शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलेगी, और ये एक इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ भाई। और नेक्स्ट है शी सीज़न 2, सीज़न 1 अच्छा आता है, इंटरेस्टिंग था, आप देखते सीज़न 2 कैसा होगा। और लास्ट ये काली आंखें, ये गाना नहीं है, ये सीरीज है, जो में नज़र आती है श्वेता त्रिपाठी। और अब बात करेंगे 6 कॉमेडी स्पेशल, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर इसी साल 2021 को देखने को मिल जाते। तो सबसे पहला है आकाश गुप्ता स्टैंड अप स्पेशल कॉमेडी प्रीमियम लीग, कपिल शर्मा स्टैंड अप स्पेशल, प्रशस्ति सिंह स्टैंड अप स्पेशल, राहुल दुआ स्टैंड अप स्पेशल और समूह की स्टैंड अप स्पेशल। तो अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स ये एक जो नई ट्राई कर रहा है, ये ऑडियंस को कितना पसंद आता है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है जो हमें इसी साल नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली है क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव्स, जो कि सेट है बेंगलोर में। नेक्स्ट है हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी डेट्स, आपको पता है कि एक घर में 11 लोगों ने सुसाइड किया था, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था, या उन लोगों के बीच में उस वक्त चल क्या रहा था, और ये शुरू कैसे हुआ था, वो हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। और थर्ड है इंडियन प्रेडेटर्स, जिसमें हमें सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर देखने को मिलेंगे, और ये भी एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज में से एक होने वाली है। और फोर्थ और लास्ट है सर्चिंग फॉर शीला, जिसे बना रहे करण जौहर। और फाइनली लास्ट है वो रियलिटी शोज जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो सबसे पहला है द बिग डे कलेक्शन 2, सेकंड है
फेबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स सीज़न टू। सीज़न वन ही मुझे इतना खास नहीं लगा, खास तो थोड़ा बकवास लगा, तो उसका सीज़न टू मैं क्या देखूँगा। और थर्ड है सोशल करेंसी। तो यार ये तो कुछ 41 कंटेंट है जो हमें इस साल नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाता। तो यार बस इस वीडियो में इतना, ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, नेटफ्लिक्स वालों ने मुझे कुछ दिया नहीं है और इतने मेरे ऐसे छोटे चैनल को कोई पैसे वैसे नहीं देता प्रमोशन के लिए, और यूट्यूब से भी पैसे नहीं मिलते भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।